اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر وموعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآلِه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. मुहतरम नाज्रीन असलकुर वरमि वर्कू उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताली आप सब लोगों को अपने में रखें इन शाह तज इल्ला दूसरा जलसा है कि जिसमें जो मेन थीम है मेन टॉपिक है हम लोग के डिस्कशन का वो तोद के अनवान से है लेकिन मैंने इससे पहले वाले जलसे मज़ किया कि तोहहीद के ऊपर डिस्कशन करना ये अल्लाह ताला की एक सिफत पर डिस्कशन करना है इस सिफत पर डिस्कशन करने से पहले एक सवाल ये उठता है कि क्या हम अल्लाह ताला के वजूद को साबित मानते हैं क्या हमारे लिए साबित शुदा बात है कि अल्लाह ताला मौजूद है यकीनन हम लोग अपने वजूद से इस बात का एहसास करते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया में मौजूद है अल्लाह तमाम तर हर हर मरहले पर हमारा सपोर्ट करता है हर मरहले पर हम अल्लाह ताला के वजूद का हिस्स करते हैं लेकिन क्या हमने दलील के बेसिस पर भी अल्लाह को और उसकी शनाख्त को हासिल किया है या हासिल नहीं किया तो लिहाजा हमें इससे मुकदम यानी जो डिस्कशन इससे प्रायर है वो ये है कि हम अल्लाह वजूद पर एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह के ऊपर डिस्कशन करें तो जाहिर सी बात है जब हम अल्लाह ताला के एग्जिस्टेंस पे बात कर रहे हैं तो उससे पहले क्योंकि हम इस शिनाख्त को हासिल करना चाह रहे हैं क्योंकि इस दुनिया के मेहवर को हम अपनी निगाह से देख रहे हैं हम अपनी नज़र से देख रहे हैं तो हम कौन हैं पहले ये जानना बहुत जरूरी है इस बात को मैंने पिछले जलसे में एक पूरे इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से और अकली से पेश किया कि हम कौन हैं इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को एक पत्थर समझते हैं हम अपने आप को एक पेड़ समझते हैं हम अपने आप को एक जानवर समझते हैं हम अपने आप को एक फरिश्ता समझते हैं या फाइनली हम अपने आप को एक इंसान समझते हैं इन तमाम सिचुएशन में जो कंसिड्रेशन हमारा अपने मुतल होगा वही कंसिड्रेशन वही नतीजा हमारे हमारी जिंदगी के प्लान के बारे में निकल के आएगा कि हमें ज़िंदगी कैसे बसर करनी है हमारी नीड्स के बारे में निकल के आएगा कि हमें क्या किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं हमें अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा कि हमारी कुदरत क्या है और हमें आ, जी पहले तो मैं आप तमाम हजरात और ख़वान की खिदमत में मैं सलाम अर्ज कर चुका हूँ उम्मीद है कि इस जलसे में आप सब लोगों को मेरी बात वाजह तौर पर आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी और साथ ही साथ तमाम हजरात जो बाद में सलाम बयान कर रहे हैं पेश कर रहे हैं उन सबको वाले सलाम शनाख्त का मतलब पूछा गया है शनाख्त का मतलब होता है रिकॉग्नेशन शनाख्त का मतलब होता है शनाख्त का मतलब होता है नॉलेज किसी चीज़ को किसी चीज़ के बारे में जानना उसके बारे में इल्म हासिल करना किसी चीज़ को पहचानना इसको बोलते हैं शनाख्त हासिल करना तो लिहाजा अल्लाह ताली की शनाख्त हासिल करने से पहले हम देखना पड़ेगा कि ये शनाख्त हासिल करने वाली ज़ात जो है ये जो बैठा हुआ बोल रहा है ये लोग जो अभी सुन रहे हैं ये कौन है तो अर्ज किया हम लोग अपने आप को इंसान बताते हैं तो सबसे पहला कदम जिसकी तरफ हम लोग गए हैं उम्मीद है कि आपके लिए इस डिस्कशन को मैं इंटरेस्टिंग थोड़ा बना दूं क्योंकि आमतौर से जो अकायद हम लोग पढ़ते हैं उसमें बहुत से टाइम पे ये महसूस होता है कि कभी कभी ये डिस्कशन थोड़ा सा आपके लिए टायरसम हो जाता है थोड़ा सा आपके लिए थकावट वाला हो जाता है और आपके लिए डिस्कशन का कोई आउटकम निकल के सामने नहीं आ पाता है लेकिन आज और इससे पहले वाले जलसे में जो मैं मैंने आपके सामने एस्पेक्ट रखा जाविया रखा वो थोड़ा अलग है वो ये है कि हम अपनी शिनाख्त हासिल करें आपके सामने तमाम तर मुकदमा को बयान किया अगर हम इस आ, कह सकते हैं कि जिस रीजन के बेस के ऊपर रीजनिंग जो आपके सामने पेश कर रहे थे इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो पेश कर रहे थे इससे हटकर अगर हम अपने दीन के अंदर भी आकर देखें अगर हम दुआओं को आकर देखें अगर हम हदीसों को आकर देखें मैं यहीं पर ब्रैकेट में एक बात बयान कर दूं कि आप लोग इस बात पर मुकम्मल गौर करें कि जा अभी जो डिस्कशन हम लोग का अकायद का हो रहा है इसमें दो डिस्कशन हम लोग हमेशा करते हैं एक लेवल होता है डिस्कशन का कि जो हम एक बहुत ही इनिशियल लेवल है कि जहां पर हमने किसी चीज को साबित नहीं किया है हमने किसी चीज को प्रूव नहीं किया है तो एक लेवल तो ये हो गया कि जहां पर हम किसी चीज को प्रूव करना चाह रहे हैं एक दूसरा लेवल वो है कि जहां पर हम प्रूफ तो कर चुके हैं हम उस बात को साबित तो कर चुके हैं लेकिन हमें उसकी सिफात के बारे में डिस्कशन करना है हमें डिटेल्स चाहिए बहुत से लोग आकर इस मसले के ऊपर सवाल उठाते हैं कि जैसे कि पिछले जलसे में किसी ने इस बारे में इशारा किया था और मैंने जवाब भी इसके हवाले से दिया था बेहतर है कि मैं इस चीज़ को दोबारा से रिवाइज कर लूँ कि बहुत से टाइम पर यह होता है कि बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि भाई अल्लाह ताला तो एक ऐसी जात है अल्लाह ताला की जात तो ऐसी जात है कि जिसको हम जैसे महदूद लोग कैसे पहचान सकते हैं हम आ, महदूद हैं हमारी शिनाख्त महदूद है हमारी अकल महदूद है जब हम महदूद हैं तो हम अल्लाह ताला को कैसे समझ सकते हैं उनका जवाब यही है कि देखिए जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आप डिटेल में हर चीज को जानें डिटेल बयान करने के लिए खुद अल्लाह तौजूद है कि जो बाद में बयान कर सकता है पहले लेवल का डिस्कशन जो होता है जहां पर हमें असल डिस्कशन को प्रूव करना होता है जहाँ पर हमें असल अल्लाह को प्रूव करना है जहाँ पर असल नबी को प्रूव करना है असल हमें इमामत को प्रूव करना है असल एक क़यामत के बारे में एक उसको प्रूव करना है साबित करना है हाँ जो डिटेल्स हैं क़यामत की हो सकता है कि उसकी डिस्कशन के लिए हमें जरूरत पड़े कि हम दीन का दीन की आके मदद लें दीन की हेल्प लें तो लिहाजा एक इनिशियल लेवल हो गया हम लोग का जहां पर हम चीजों को प्रूव कर रहे हैं और एक सेकेंडरी लेवल हो गया कि जहाँ पर आकर हम डिटेल्स पर डिस्कशन कर रहे हैं हमेशा याद रखिएगा अकायद के अंदर जो इनिशियल लेवल होता है जहां पर हमें प्रूव करना है वहां पर हम कभी भी दीनी जो हमारे पास सोर्सेज हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुरान की तरफ रुजू नहीं करते हैं हम हदीस की तरफ रुजू नहीं करते हैं सिवाय अपनी अक्ल के किसी और चीज़ की तरफ रुजू नहीं करते हैं। अगर हम दीन में से कुरान या हदीस की तरफ रुजू भी करते हैं तो वो इस एस्पेक्ट से इस जाविये से इस एंगल से नहीं होता है कि क्योंकि खुदा ने कह दिया है लिहाजा उसकी बात को हम लोग मान लेते हैं नहीं क्योंकि मैंने अर्ज किया था पिछले पिछले सेशन में कि अभी वो लेवल है कि जहां पर आप एक मरहले के लिए एक मिनट के लिए ये कंसिडर करिए कि अभी हम किसी दिन को नहीं मानते हैं अभी हम किसी खुदा को नहीं मानते हैं अब जैसे जैसे आपके लिए दलीलें साबित होती चली जाएंगी आप अल्लाह ताला को मानते चले जाएंगे जब आप मुकम्मल तौर पे अल्लाह को साबित कर लें जब आप अल्लाह की भेजी हुई किताब को साबित कर लें जब आप अल्लाह के भेजे हुए नबियों को साबित कर लें जब अल्लाह के नबी के बाद उनके जानशीन के तौर पर इमामों को साबित कर लें जब रोज़ क्यामत के लिए क्यामत को साबित कर लें तो अब क्योंकि आपके लिए अल्लाह साबित हो गया है तो ढेर सारी बातें जो अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से पैगंबर के जरिए से अहलम के जरिए से आप तक ये पहुँचाई है आप इनको आंख बंद करके एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप लोगों ने शायद एक चीज की तरफ और भी गौर किया हो कि यहीं से मिस्टेक होती है कुछ लोगों से कि जो आकर सवाल ऐसा करते हैं कि आप साइंटिफिकली हमारे लिए आकर साबित करिए कि सुबह की नमाज दो रखस क्यों पढ़ना चाहिए हमारे लिए साइंटिफिकली आकर साबित करिए कि वजू के अंदर फॉर एग्जाम्पल दोनों हाथ क्यों धोने चाहिए साइंटिफिकली आकर साबित करिए कि जो है हमें क्यों करना चाहिए तो उनके लिए कुछ आंसर्स दिए जाते हैं लेकिन मैं आपको यहीं पर आंसर इस बात का दे दूं कि हम साइंटिफिकली वहां पर इसलिए डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों ने साइंटिफिकली अल्लाह के वजूद पर पहले ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और जब हमें मालूम हो गया है कि वो जात ऐसी जात है कि जिसके पास तमाम तर कुदरत है तमाम तर इल्म है तो अब जो उसकी तरफ से हमारे पास नॉलेज आ रही है उसके ऊपर हम आराम से भरोसा कर सकते हैं भले ही कहीं पर हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ना हो जैसा कि बहुत सी चीज़ों के बारे में हत्या साइंटिस्ट के पास भी नहीं होता है मैंने सोचा अपनी ये बात मुकम्मल कर लूँ फिर जिसने हाथ उठाया है सैयद इजरत फातिमा अः मैं मुनासिब समझता हूँ कि अगर आप लोग अपने सवाल को डिस्कशन के आखिर के लिए रखें तो उसमें यह होगा कि हो सकता है कि आपके सवाल के जवाब हम बीच में दे दें लेकिन अगर जो बातें मैं बयान कर रहा हूँ उसमें से कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आ रही है उसके मुतल सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं जी मुजीब साहब अगर आप क्लास के दरमियान जो लोग हाथ उठा रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन के लिए आप अगर अलाउ करना चाहें तो उनको अलाउ कर सकते हैं तो मैं डिस्कशन आगे बढ़ा रहा हूं जब तक मुजीब साहब आप लोगों को इन क्वेश्चन के लिए अलाउ करेंगे तो मैंने अर्ज किया कि ये डिस्कशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर पहले आपके लिए बात वाजे हो गई कि हम लोग तमाम डिस्कशन जो के अंदर करते हैं वो हमारे लिए इंटेलेक्ट बेस्ड होता है हमारे रीजन पे हमारी अक्ल के बेसिस के ऊपर डिस्कशन करते हैं हमारी अक्ल आकर दलील पेश करती है कि खुदा है या नहीं है हमारी अक्ल आकर बहुत सी सिफात के बारे में डिस्कस करती है और बताती है कि जो खुदा है अगर वो जिस्म होगा तो जाहिर है वो महदूद हो जाएगा लिहाजा खुदा को जिस्म नहीं होना हमारी ये बताती है कि अगर जो खुदा है जो है, जो हम सब का खालिक है, है, हम अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो फिर वो कैसे इस दुनिया को कंट्रोल कर पाएगा लिहाजा ये बात वाज़े हो जाने के बाद मैं पलटता हूँ डिस्कशन की तरफ कि अभी हम लोग का डिस्कशन इस बारे में चल रहा था कि हम क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि खुदा है या नहीं है खुदा की सिफात क्या है हम अकायद को जानना चाह रहे हैं हम दीन को जानना चाह रहे हैं लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पहले जाने अब जब हम आकर दुआओं की तरफ हदीस की तरफ कुरान की तरफ देख हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है कि उसके अंदर भी इंसान की शनाख को एक को जान लिया उसने अपने को जान लिया वो इसीलिए है क्योंकि इंसान जब तक के अपने आप को न समझे इंसान जब तक ये ना जान पाए कि मैं क्या चीज हूं मैं कहाँ से आया हूँ मैं कहाँ जाने वाला हूँ मेरी क्वालिटीज क्या है मेरी स्ट्रेंथ क्या है मेरी वीकनेसेस क्या है मैं कौन हूँ जैसे कि मैंने पिछले तो जब तक ये डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे कि आपको इस दुनिया में करना क्या है अहमियत को जान लिया आज के जल में आपके सामने सबसे पहले ये बयान करना है कि हम हैं क्या ये जो शिना इंसान की शनाख्त का डिस्कशन है ये जो इंसान की शनाख्त का लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं कुछ लोग आकर इंसान को महदूद जानते हैं इंसान को मुकम्मल तौर पे लिमिटेड जानते हैं ये इंसान सिर्फ और सिर्फ जिस्म का नाम है आप देख रहे हैं ये फिजिकल जिस्म जो है हाथ हैं पैर हैं इंसान का चेहरा है इंसान का बदन है ये जो फिजिकल जिसम है बहुत से साइंटिस्ट अभी तक के इस बारे में इस चीज़ के कायल हैं इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि इंसान एक जिसम जिसम है और ये जिसम से लिमिटेड है ये जिसम के अलावा कोई चीज नहीं ऐसे लोग क्या होते हैं कि ये आकर मटीरियलिस्टिक बन जाते हैं उनकी तमाम तर तवजो ये रहती है कि इंसान का जिसम कैसे अच्छा हो जाए इंसान के जिसम की नीड्स क्या है इंसान के जिसम को पूरा होना चाहिए इंसान के जिसम को क्या जरूरतें हैं इंसान के जिसम की क्या क्वालिटीज हैं क्योंकि वो सिर्फ जिसम को देखते हैं लिहाजा उनका जो जवाब होता है या उनकी जो नीड्स हैं वो भी जिसम तक के महदूद रहती हैं फिर अगर कहीं पर जिसम के आगे की बात हो जाती है तो वो वहां पर हथियार डाल देते हैं वो वहां पर एकदम हाथ पैर उनके फूल जाते हैं कि हमें इस इस सवाल का जवाब कैसे देना है लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट वो हैं कि जो इंसान को एक जिसम तक के महदूद नहीं जानते हैं बल्कि इंसान को मल्टी डायमेंशनल बेंग मानते हैं इंसान को मतदद जाविये रखने वाला मतदिद एस्पेक्ट्स रखने वाला एक वजूद समझते हैं और वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ मादी नहीं है इंसान सिर्फ मटीरियलिस्टिक नहीं है इंसान के अंदर सिर्फ ये फिजिक फिज़िकल एस्पेक्ट नहीं है बल्कि इंसान इस फिज़िकल एस्पेक्ट के साथ साथ इंसान के अंदर एक रूह भी मौजूद है इस शनाख्त को इस एंथ्रोपोलॉजी को कौन सी एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं इसको इलाही एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। वो जो पहले वाली एंथ्रोपोलॉजी थी कि जहाँ पर इंसान को सिर्फ हम फिजिकल बींग मानते थे वो एक मेटीरियल एंथ्रोपोलॉजी uh, है कि जहाँ पर इंसान को सिर्फ इस मादे से सिर्फ इस फिजिकल uh, जाविये से जो इसकी इसका जिस्म है इससे महदूद मानते थे तो लिहाजा ये दोनों के दोनों जो एंथ्रोपोलॉजी के डोमेन्स हैं ये एकदम अलग अलग है कुछ लोग कहते हैं कि इंसान दोनों चीज रखता है कुछ लोग कहते हैं इंसान एक चीज रखता है अब जाहिर सी बात है हम लोग के लिए हजार दलीलें और हजार तरीकों से इस बात को हम लोग साबित कर सकते हैं कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं है क्योंकि अगर सिर्फ जिस्म होता तो जैसे ही इंसान इस दुनिया से यानी इंसान अगर सिर्फ जिस्म होता है तो जो इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं उनका जिस्म तो पूरा सालिम रहता है तो फिर वो मर क्यों जाते हैं ये इंसान क्यों अपने अगर जिस्म है तो इंसान के सारे कैलकुलेशन जो है जिसम के अकॉर्डिंग होना चाहिए थे तो फिर मोहब्बत हुब्ब का मतलब क्या है गम का मतलब क्या है खुशी का मतलब क्या है अगर इंसान सिर्फ जिसम होता तो फिर इंसान की रूहानी ताकत जो इंसान कभी महसूस करता है वो कहाँ से आ जाती है आप देखिए जो लोग इंसान को सिर्फ जिस्म से महदूद मानते हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो तमाम तरह चीज़ों को जिसम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो लिहाजा आप देखते हैं कि आजकल दुनिया में जिन लोगों ने ज्यादा इस मसले के ऊपर एम्फेसाइज uh, किया है वो लोग कौन है वो वेस्टर्न वर्ल्ड है तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आप देखें जब उनके लिए कोई सुपर uh, नेचुरल uh, उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है या मैं कहूँ मेटाफिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है या उनके फिजिकल जो उनकी कैलकुलेशंस हैं इसके ऊपर वाली कोई चीज आ जाती है तो वो लोग अपनी जिंदगी में परेशान हो जाते हैं इसीलिए इतने सारे लोग के जो अपनी जिंदगी के लिए तमाम तर कैलकुलेशन करके बैठे होते हैं एकदम से एक पेंडेमिक आता है कि जहां पर वो उनके लिए पूरे के पूरे प्लान उसके क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं और वो महसूस करते हैं कि मेरे लिए पूरी पूरे के पूरे तरीके से सारे रास्ते बंद हो गए सारे दरवाजे बंद हो गए आप देखें जापान के अंदर जो वेस्टर्न कल्चर है इसको मुकम्मल तौर पे जापान के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया हत्या जापान ने अपनी मिलिट्री को भी विद्रॉ कर दिया और मुकम्मल तौर पर यूएस की मदद लेके जापान के अंदर क्या हो गया पूरा वेस्टर्न कल्चर इम्प्लीमेंट हो गया लेकिन जब वेस्टर्न कल्चर इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो उनकी रिवायती अंदाज थे जो उनके ट्रेडिशनल उनके रस्में थीं आदाब थे वो सबके सब भूल गए उन्होंने कहा कि हम पूरे तरीके से वेस्टर्न बन गए हैं हम तरक्की कर गए हैं हम नॉलेज की तरफ जाएंगे हम साइंस की तरफ जाएंगे हम इसकी तरफ जाएंगे उसकी तरफ जाएंगे लेकिन कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या उन्होंने कुछ अच्छी चीजें तो ली बहुत पंक्चुअल हो गए साफ सफाई हो गई जाहिर ही कुछ अच्छी चीजें ले ली लेकिन धीरे धीरे कुछ बुरी चीज़ों की तरफ भी वो चलते चले गए कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है क्यों क्योंकि वो लोग अपने आप हाँ को सिर्फ एक फिजिकल बींग मानते हैं लिहाजा उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ये क्या किया कि उन्होंने कहा कि शादी वादी क्या होती है दो लोग हैं आपस में जिंदगी कर रहे हैं लेकिन एकदम से वो लोग अलग हो जाएं धीरे धीरे उनके जहन में ये बात आने लगी कि इसका मतलब ये कि शादी के अंदर घाटा होता है इंसान का क्योंकि शादी होने से इंसान आपस में बंध जाते हैं एक इंसान मेहनत करता है पैसे लेके आता है दूसरा इंसान बैठ के खा लेता है या दोनों लोग मेहनत करते हैं बच्चों को आ, उनको पालना पड़ता है कि बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है नौ महीने माँ को मेहनत करनी पड़ती है बाप को मेहनत करना पड़ता है उन्होंने ये देखा कि जितना जितना हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट से कैलकुलेशन कर रहे हैं हमें यह दिखाई पड़ रहा है कि हमारे लिए घाटा है क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट इस मादे के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं सोचा था इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने से रास्ते बंद होते हुए देखना शुरू किया नतीजा क्या हुआ कि ऐसे इंसान धीरे धीरे रोबोट की तरह एक ऐसी जिंदगी तक के पहुंचे जो आज का जबान है उसके अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड होती है क्यों होती हैं क्यों लोग खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि जैसे ही एक दरवाजा बंद होते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके सामने कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके जबकि अगर इसी को कंपेयर किया जाए एक ऐसे शख्स से कि जिसने अपने आप को सिर्फ मादी नहीं माना है इस दुनिया से महदूद नहीं माना है बल्कि उसने एक अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखा है वो जब देखता है कि मेरे सामने अगर सौ दरवाजे भी बंद हो गए हो जाएं, अगर मेरे सामने हजार दरवाजे भी बंद हो जाएं फिर भी क्योंकि मैं अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखता हूं लिहाजा अल्लाह ताला तकवा एक एक दरवाजा खोलेगा और मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल आएगा क्या आपके जहन में जनाब यूसुफ का वाक्य है कि जहां पर सात सात दरवाजे दस दस दरवाजे बारह बारह दरवाजे जुलेखा ने बंद कर दिए थे कि नहीं अब तो कोई इंसान इस कमरे के अंदर नहीं आ सकता और अब तो यूसुफ यहां से नहीं भाग सकता लेकिन यूसुफ जनाब यूसुफ का क्योंकि अकीदा अल्लाह ताला के ऊपर है लिहाजा वो दरवाजे की तरफ बढ़े वही दरवाजे के जो मुकम्मल तौर पे लॉक्ड थे वो अल्लाह ताला ने उनके लिए खोल दिया क्यों क्योंकि उनका ईमान ये था कि जितने भी दरवाजे हों अगर अल्लाह ताला पर ईमान है तो अल्लाह तु ना कोई दरवाजा जरूर इंसान के लिए खोल देता है लिहाजा ऐसा शख्स कि जिसका ईमान मजबूत है वो कभी भी पलट कर ये नहीं कह सकता कि मैं खुदकुशी कर लूंगा मैं सुसाइड कर लूंगा क्यों क्योंकि वो देख रहा है कि तमाम तर मुश्किल के बावजूद मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता खुला है तो लिहाजा इंसान की तरफ देखने का जो तर्ज है वो एक तर्ज ये हो सकता है कि वो सिर्फ इस दुनिया के लिए बना है उसके पास फिजिकल बींग है फिजिकल लिहाजा अगर फिजिकल मयारात के ऊपर अगर इस दुनियावी मयारात के ऊपर कैलकुलेशन किया और मुझे घाटा नजर आ रहा है तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा अगर मैं ये तर्ज तफक्रूँ अगर मेरे फिक्र इस तर्ज पे है तो इसलिए वो इंसान आकर खुम्स की भी जो है मुखालफत करेगा वो कहेगा मैं कैसे मैंने तो बहुत मेहनत करके इस पैसे को कमाया है मैं कैसे इस पैसे को अल्लाह कैसे इस पैसे को किसी और को दे दूं वो आकर जक़ात के लिए मना करेगा कि मैंने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया कैसे मैं जक़ात दे दूं वो कहेगा कि मैं अगर हज पे जाऊंगा तो मैं क्यों हज पे जाऊं मैंने तो बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है मैं इसको बचा तो चार रोटियां एक्स्ट्रा खा नहीं। उसको ये नहीं पता है कि अगर हज़ पर जा रहा है और अल्लाह की राह में अपना फॉर एग्जाम्पल एक रुपया खर्च कर तो यही एक रुपया वो उसका इन्वेस्टमेंट है कि जो न जाने कितने ज्यादा इंटरेस्ट के साथ कितने गुना कितने हजारों गुना उस को वापस में देख क्योंकि वो इस दुनिया को इस दुनिया से महदूद अपने आप को देखा लेकिन जो इंसान अपनी आंखें खोलकर इस दुनिया के बाद वाली दुनिया को भी देखेगा वो कहेगा कह जिस तरीके से मैं मैं इस दुनिया में इन्वेस्टमेंट करता हूं। कैसे जाकर बैंक के अंदर एफ डी रखवा देता हूँ जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनके एजुकेशन में काम आएगा कैसे मैं जाकर इंश्योरेंस एव... 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 ले लेता ले हूँ कि मुझे बाद में पेंशन पेंशन के काम आएगा मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना इस दुनिया के लिए कि दस साल बाद काम आएगा बीस साल बाद काम आएगा वैसे एक और दुनिया है जो इससे बहुत बड़ी दुनिया है उसके लिए क्यों कर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा लिहाजा मैं इसको बहुत डिटेल में जाते हुए आता हूं अपने टॉपिक की तरफ और कंक्लूजन की तरफ कि इंसान की तरफ देखने के अ, मेरे पास ये पॉपअप बार बार आ रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है उम्मीद है कि आप लोगों तो तक तो की आवाज साफ आ रही होगी और अगर कहीं पर ऐसा होता है कि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग बात पूछ सकते हैं दोबारा लिहाजा इंसान की तरफ देखने के दो तर्ज हो सकते हैं दो तरीके हो सकते हैं या तो आप इंसान को एक मादी आ, एक माद जाए ये सिर्फ इस दुनिया से महदूद है यानी आप इंसान को इस जिस्म के साथ साथ उसकी रूह को भी देखें कि जो ये सही तरीका है ये हक बजाने राय है कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं है इंसान के अंदर रूह भी मौजूद है अब आपको समझ में आएगा अब मैं यहाँ से एक एक खाली एक पॉइंट बयान करता हूँ मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा अब आपको समझ में आएगा क्यों क्यों आकर जो है बहुत से मकाम पर हम लोग ये अर्ज करते हैं कि इस्लाम के पास एक मुकम्मल पैकेज है चाहे वो मेडिकल पैकेज हो चाहे वो पॉलिटिकल पैकेज हो चाहे वो आपका रिलीजस और आपके अकायद के लिहाज से बिलीफ का पैकेज हो चाहे वो लीगल सिस्टम हो चाहे वो मैनेजमेंट सिस्टम हो क्यों पैकेज की जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत से टाइम पे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि दवाओं का मेडिकल सिस्टम है मेडिकल सिस्टम के अंदर आप कह रहे हैं क्या जरूरत है कि आप अगर मेडिकल सिस्टम के अंदर आकर कोई बात बयान करें कि फुल जड़ी बूटी खाओ तो, तो तुम्हारे लिए अच्छा है नहीं हमारे पास माशाल्लाह इतने ज्यादा साइंटिस्ट हैं इतने ज्यादा डॉक्टर्स हैं इतने ज्यादा रिसर्चर्स हैं वो आकर हमारे लिए अच्छी, अच्छी रोज रोज नई नई रिसर्च पेश करते हैं एक दिन एक आकर कहता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और एक दिन आके दूसरा कहता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है एक दिन आप लोगों तो ने देखा होगा कुछ टाइम पहले यहाँ पर मैं, मैं पढ़ रहा था न्यूज़ के अंदर कि गोवा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो दवाएं कोरोना के लिए दी जा रही है इसके अंदर एक दवा थी शायद जहाँ तक मैं गलती ना करूँ नाम में डॉक्सीसाइक्लिन करके नाम था उसका तो उन्होंने अनाउंस किया कि सब लोग इसको खाएं बहुत अच्छी बात है जवान बूढ़े बच्चे सब लोग सकते हैं और अगर उनके कोरोना नहीं भी है तो उनको बहुत फायदा होगा लेकिन कुछ ही दिन बाद आकर डब्ल्यूएचओ ने दोबारा अनाउंस किया कि नहीं आप लोग इस दवा को मत खाइए कि आपको आप इसके एडिक्टेड हो जाएंगे इससे आपके जो है लंग्स खराब हो जाएंगे इससे आपके जो है फुला प्रॉब्लम हो जाएगी ये होगा वो होगा तो दुनिया के साइंटिस्ट तो ऐसे ही हैं कि वो एक दिन अनाउंस करते हैं कि नहीं एकदम प्रूव्ड बात है और रीजनिंग uh, के बेसिस के ऊपर एविडेंसेस की बेसिस के ऊपर आप जाइए ये कीजिए अगले दिन पता चलेगा कि नहीं सारे एविडेंसेस आपके गलत थे और ये नए एविडेंसेस हैं आपको ये करना चाहिए था एक दिन आपको बताएंगे नहीं ये दवा बहुत अच्छी थी अगले दिन बताएंगे ये दवा बहुत बहुत अच्छी थी बहरहल इस डिस्कशन को अलग रखते हुए इस दुनिया में जितने भी मेडिकल सिस्टम है एग्जाम्पल एक 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 पेश कर रहा हूँ हो सकता है कि इस एग्जाम्पल के अंदर डिस्कशन की जरूरत हो लेकिन खाली एक तवज्जो की खातिर आप मेडिकल सिस्टम को देखते हैं मेडिकल सिस्टम के अंदर क्यों ये बार बार इम्प्रूवमेंट आते हैं बहुत से टाइम पे गलत और सही की बात आती है और इवन बहुत से टाइम के ऊपर हो सकता है एक बात सही हो आप एक एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि बहुत सी ऐसी दवाएं जिसके अंदर अल्कोहल यूज़ होता, यूज होता, यूज होता है बहुत सी ऐसी दवाएं जिसके अंदर पॉ यूज़ होता है यानी सूर का गोश्त या सूअर के गोश का तेल यूज़ होता है बहुत सी दवाएँ कि जो नजर चीज़ से मिलकर बनती हैं आप जब शरीयत के लिए आते हैं किसी मौलाना के पास या किसी मरजा के पास मरजा फौरन कहते हैं कि नहीं इस दवा को मत खाइए आप पलट कर जब हदीस में देखते हैं तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई भी शिफा किसी हराम के अंदर नहीं रखी है लेकिन आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है ये तो हमारे फायदे में है ये तो डॉक्टर्स बता रहे हैं ये तो साबित शुद्धा है नहीं बात यहां पर होती है कि इस्लाम इंसान को सिर्फ सिर्फ फिजिकल बींग नहीं देखता है जो हकीकत है वो ये है कि इंसान सिर्फ एक मादी वजूद नहीं है मेरे पास सिर्फ ये बदन ये चेहरा ये हाथ ये पैर सिर्फ ये नहीं है एक रूह भी तो आपके पास है आपको पता है कि जो दवाएं आप खा रहे हैं या कोई खाना अगर आप खा रहे हैं आप जाकर साइंटिस्ट के पास पूछें वो कहेंगे नहीं पोर्क जो है बहुत ही फायदेमंद फर्ज कर लीजिए जबकि वो बहुत सारी उसके अंदर प्रॉब्लम जो है साइंटिफिकली भी हैं मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूँ फर्ज कीजिए जो एक चीज़ इसको इस्लाम कह रहा है कि ये चीज़ जो है नजिस है इसको मत खाइए आप जाते हैं रिसर्चर्स के पास वो जा जाके रिसर्च करते हैं और अपने पूरे एविडेंसेस की बेसिस पे ये क्लेम करते हैं कि नहीं इसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं है इसके अंदर रक्त की बराबर भी कोई परेशानी नहीं है आप सब लोग खा सकते हैं बहुत से लोग उठ जाते हैं फौरन कहते हैं भैया साइंस ने तो बता दिया है कि कोई परेशानी नहीं है अब क्या परेशानी है आपको अब क्यों आके आप मुखालिफत कर रहे हैं तो उनसे मैं सवाल यही पलट के कर सकता हूँ आप बताइए कि जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने आपके जिसम के अकॉर्डिंग्स में तो देख लिया कि ये जिसम क्या कंपैटिबल है इस दवा से या नहीं क्या ये जिसम जो है इज इट इनकोहेरेंस विद द मेडिसिन और नॉट लेकिन क्या आपने ये क्वेश्चन पलट कर किया कि रूह भी इसके coherence में है या नहीं है? क्या इस इस रूह के ऊपर दवा का सही असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? इसका जवाब कौन कौन आकर देगा इसका जवाब तो वही दे सकता है कि जो रूह को जानता हो इसका जवाब तो वही दे सकता है कि जिसको पता हो रूह क्या है क्या नहीं है इसका जवाब दे सकता है कि जिसने रूह को बनाया हो क्योंकि इंसान ने रूह को नहीं बनाया है क्योंकि इंसान अपने आप को बहुत से लोग जो साइंटिस्ट हैं आजकल के वो क्योंकि इंसान को सिर्फ जिस्म देखते हैं तो लिहाजा उनके सारे जिस्म पर होते हैं बहुत से टाइम पर तो इंसान के जिस्म पर एक्सपेरिमेंट होता भी नहीं है जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और आकर इंसान को दवा दे देते हैं तो लिहाजा इसलिए यह है कि इस्लाम हर चीज में अपना पैकेज देता है क्यों वो कहता है कि देखो तुम जो चीज सोच रहे हो कि तुमने बैठकर बनाई है बहुत अच्छा है बहुत अच्छी मेहनत की है तुमने और हो सकता है कि तुम अच्छे नतीजे पर पहुंचे हो लेकिन एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर तुम्हारी तवज्जो नहीं है वो ये है कि इंसान का एक इंसान की रूह भी होती है हम हजार चीजें बना लें लेकिन रूह के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना कि ये दवा फायदेमंद या नहीं है ये पॉलिटिकल सिस्टम फायदेमंद या नहीं है ये मैनेजमेंट सिस्टम उस रूह के लिए फायदेमंद या फायदेमंद नहीं है ये पढ़ाई उस रूह के लिए फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा तो लिहाजा इस बात को यहीं पर कंक्लूड कर लेते हैं कि इस्लाम हकीकत को देखते हुए ये बयान करता है कि इंसान एक जिस्म नहीं बल्कि रूह के साथ भी है लिहाजा इंसान जब भी किसी चीज़ की तरफ अलबत मैं यहाँ पर इस बात को आर्ज कर दू जब मैंने एक एग्जाम्पल मेडिसिन का दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी नॉन इंग्लिश मेडिसिन हैं चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन चाइनीज मेडिसिन हो ईरानियन मेडिसिन है ग्रीक मेडिसिन है हम लोग के इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी मेडिसिन के सिस्टम हुआ करते थे जैसे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर मुफरत आजा नाम का एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें वो कहते थे कि इंसान का बदन तीन मेन uh, uh, जो है आजा के ऊपर सर्कुलेट हो, होता है बहरहाल मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारे सिस्टम अच्छे हैं सही हैं या फॉर एग्जाम्पल एक आयुर्वेद सिस्टम है या एटसेट्रा एटसेट्रा नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सही है मैं ये कह रहा हूँ अगर सामने इमाम बैठे होते तो हम उनसे जाकर हर चीजों को पूछते हो सकता है कि अभी जो लोग आकर सिस्टम पेश कर रहे हैं वो अयम्मा ने बयान ही ना किया हो हो सकता है कि वो आयम्मा ने कुछ खास जगहों के ऊपर कुछ खास नुस्खों को लिख के लोगों को दिया है कि जो लोगों ने आकर इस्लामिक मेडिसिन के नाम से आजकल बयान करना शुरू कर दिया है मुझे उससे ताल्लुक़ नहीं है मैं उसको ना पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ ना पूरी तरीके से डिनाई कर रहा हूँ उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हकीक़त भी रखती हैं लेकिन मैं एक आपको आपकी फ़िक्र को खोलना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं आखिरी इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं तो इमाम का इंतज़ार करना सिर्फ़ क्यों आप हम लोगों के लिए इंतज़ार बहुत प्रैक्टिकल नहीं बन पाता है क्यों हमें यह महसूस नहीं होता है कि हमें एक चीज़ का इंतजार करना चाहिए क्यों हम अपने बच्चों को ये बात नहीं समझा पाते हैं कि हम आखिरी इमाम का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमने इतने ज्यादा सप्टीट्यूट दे रखे हैं सब चीज़ों के कि हमें किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती है अभी एक मेडिसिन की मिसाल ले लीजिए अगर आपसे ये बताया जाए यानी आपकी आंखें वाकई खुले कि ये जितनी मेडिकल जितना भी मेडिकल सिस्टम है इसमें फिफ्टी टू सिक्सटी सेवेंटी परसेंट बिजनेस है ना कि आपकी आपका इलाज अगर हमारी आंखें धीरे धीरे ये खुले कि जो थर्टी परसेंट आपका इलाज है भी उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस बनाए गए हैं फिर दवा बनाई गई है और हमारी आंखें खुले तो ये पता चले कि जितनी भी मेडिसिन है इन सब के अंदर न जाने कितने साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं और हमारी आंखें खुले कि जिनके अंदर साइड इफेक्ट्स कम भी हैं, फर्श कीजिए हम एक दवा लेकर आते हैं और कहते हैं इसके अंदर ये इंग्लिश मेडिसिन के अकॉर्डिंग बनी है और इसके अंदर एक भी साइड इफेक्ट नहीं है तो क्या आपकी रूह के साथ भी ये कंपेटेबल है ये कहीं से प्रूव्ड नहीं है इसमें से अक्सर दुआएं दवाएं आपकी रूह से कॉन्ट्रडिक्शन में है आपकी रूह से टकराव में है जब हमारी ये सोच खोलेगी तब हमें समझ में आएगा कि हाँ अगर ऐसा है तो एक ऐसा आलिम शख्स आकर हमको बताए कि कौन सी दवा हमारे लिए फायदेमंद है जब आपको ये पता चलेगा कि हाँ इस दुनिया में जो भी सिस्टम है उसके अंदर जुल्म हो रहा है आपको क्या लगता है कि आप जहां पर रह रहे हैं आपको जुल्म नहीं हो रहा है आपके कितने ज्यादा राइट्स हैं अगर खाली आपको ये देखना है कि मैं असल एकदम से दीन के कॉन्सेप्ट को अलग हटा लूं इसमें बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ब्रैकेट में इस बात को अगर बयान नहीं करूंगा तो आप लोग का घाटा हो जाएगा वो ये है कि अगर हम एक मिनट के लिए दीन के कॉन्सेप्ट को हटा लें अगर आपको खाली बहुत ही आसानी से ये मालूम करना है कि क्या आपको आ, आपके जो इंसान होने के एतबार से राइट्स हैं आप सिर्फ इसको एनालाइज कीजिए जाकर कि क्या आपको आपके पूरे राइट्स जहां पर भी आप रह रहे हैं मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं फर्ज कीजिए कोई शख्स इंडिया में रह रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल है आप इंडिया की लिविंग स्टैंडर्ड को जिस हिसाब से इंडिया के अंदर टैक्स पे किया जाता है इसको कंपेयर कीजिए एक सिमिलर कंट्री से कि जिसके अंदर इतना ही टैक्स पे किया जाता हो और फिर फैसिलिटीज को आकर देखिए कि आपको क्या, आप क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं और दूसरे लोगों को क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं एक एग्जांपल है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं यहाँ पर आपके बच्चों का कितना केयर किया जाता है आपको कितना मेडिसिन फ्री में दिया जाता है आपके बच्चों की कितनी एजुकेशन फ्री में होती है आपको कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए मेरे साथ जुल्म हो रहा है टैक्स तो पूरा पूरा ले रहे हैं लेकिन इन रिटर्न मुझे कुछ दे नहीं रहे एक बहुत सिंपल सा एक आंसर है कि जो यानी ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है क्रिस्टली क्लियर है कि जिसमें किसी को शक नहीं होगा जुल्म हो रहा है मेरे साथ किसके साथ इस वक्त जुल्व नहीं हो रहा है इस दुनिया में जहां कहीं जाए सब लोग परेशान हैं किसी की कंट्री पे हमला हो रहा है किसी की कंट्री के अंदर उन लोग को खाना बदोश कर दिया गया है किसी के लिविंग स्टैंडर्ड्स नीचे आ गए हैं जिसके पास सब कुछ है उसके पास जहनी सुकून नहीं है आजकल के दुनिया में लोग जो है स्ट्रेस के अंदर डिप्रेशन के अंदर डूबे हुए हैं जो लोग इसमें नहीं है वो दवाओं में डूबे हुए हैं मैं दोबारा दोडिसिन के ऊपर आ रहा हूँ पॉइंट क्या है कि जब इन सारी चीजों की बनस्पत हमारी आंखें खुलेंगी तो हमें समझ में आएगा कि इसका मतलब हमें किसी की जरूरत है कि जो आए इन सब सिचुएशंस को सही करे जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ में तब्दील करे जो आए आकर बताए कि हमारे लिए हमारी जिंदगी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और ये दीन से महदूद नहीं है खाली ये आपके अकीदे से महदूद नहीं है ओके okay, तो मैं इस बात को यहीं पर ब्रैकेट को बंद करता हूँ कि आपको इस चीज के हवाले से जितना जितना आप शिनाख्त हासिल करते जाएंगे अपनी उतना उतना आपको अपनी नीड्स के बारे में पता चलता चला जाएगा और उतना उतना आप बेहतर तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं अब बढ़ते हैं इस चीज़ की तरफ कि जब इंसान अपने आप को पहचान चुका कि हम खाली एक मादी नहीं है बल्कि हमारे साथ रूह भी है जब हमें रूह के बारे में पता चल गया तो अब हमें अपनी नीड्स के बारे में पता चलेगा कि हमारी नीड्स जो हैं एक उसका जो हिस्सा है वो हमारे जिसम से ताल्लुक रखता है खाना पीना है फर्ज कीजिए पहनना है शेल्टर है यह वो और एक हिस्सा है कि जो हमारी रूह से ताल्लुक रखता है यानी हमारी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है हमारी स्पिरिचुअल जो आ, कह सकते हैं जो हमारी गजा है ये हमारी रूह रूह की गजा है हमें इल्म चाहिए है हमें मानवियत और रूहानियत चाहिए है स्परिचुअलिटी चाहिए है हमें तरक्की चाहिए रूहानी तौर पर हमें सुकून चाहिए है हमें ईमान चाहिए है अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ से हमारे पास हमारी रूह के कुछ तकाज़े हैं कुछ नीड्स हैं जैसे जैसे मैंने कुछ गिनाए ऑन दी अदर हैंड जो हमारे जिस्म के तकाजे हैं खाना पीना शेल्टर ये वो दवा इलाज इन सब के अंदर भी हमें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत है कि जो हमारे लिए नुकसानदेह ना हो बल्कि फायदेमंद जबकि जो चीजें फिलहाल हमारे पास मौजूद हैं वो नुकसानदेह तो अब आकर कौन सी ऐसी चीज है कि जो हमारी नीड्स को मुकम्मल तौर पे हमें बता सके इसका जवाब बहुत ही ब्रीफली ये है कि आपकी नीड्स को मुकम्मल तौर पे बताने के लिए एक चीज है जिसको हम दीन का नाम देते हैं अब आपको समझ में आया कि रिलिजन हमारे लिए क्यों जरूरी है क्योंकि रिलिजन हमारी नीड्स को कंप्लीट बेसिस के ऊपर डील करता है कि जो हो सकता है कि जो रिलिजन के हैं वो डील ना कर पाए हो सकता है कि रिलीजन के बजाय आप कहें कि हम साइंस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं लेकिन साइंस आपकी रूह के ऊपर आकर कभी डिस्कस नहीं कर रहा है आप कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक्सवाइज हम किसी और चीज़ की तरफ चले जाते हैं लेकिन वो आपकी रूह को आपको कंप्लीटली डील नहीं कर रहा है हो सकता है किसी खास जाविये को एक एस्पेक्ट को लेकर बैठ गया तो लिहाजा हमें दीन की जरूरत है यहां से हम लोग दीन के हवाले से कुछ बातों को शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम इस चीज के ऊपर पहुंचेंगे कि इस दीन का सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट और तस्वुर तो क्या है सबसे बुनियादी टीचिंग और सबसे बुनियादी तालीम क्या है कि ये दीन अल्लाह की जात पर मेहर है दीन यानी वही दीन यानी अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता दीन यानी ये वो चीजें जिस पर अल्लाह ताला ने बताया उस पर वो चीजें जो अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारे लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं उसके ऊपर अमल करना और उनसे डोंट से दूर रहना तो लिहाजा दीन इस चीज का नाम है बहुत ही ब्रीफली इस बात को बयान करूं दीन के लिटरल माना है जैसे जजा देना ठीक है इस, जैसे आप कहते हैं मालिकीन आप लोग पढ़ते हैं सूरह हमद में इसका मतलब क्या है कि जो नतीजे जजा रिवॉर्ड का दिन है उसका मालिक अल्लाह ताला है दीन का मतलब रिवॉर्ड होता है तो अब इन क्योंकि दीन के अंदर जो हम आ, टीचिंग्स देखते हैं तलीमत देखते हैं इसके अंदर रिवॉर्ड का सिस्टम बहुत ज्यादा होता है लिहाजा इसका नाम दीन रखा गया है यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आ सकता है मेरे पास तकरीबन नौ मिनट्स हैं दर्ज को ख़त्म करने में लिहाजा मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा अगले हफ्ते के लिए कि इस दुनिया में हम पलट कर देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं एथीस्ट हैं कि जो कहते हैं कि हम दीन को नहीं मानते वो दीन से अपने आप को दूर रखते हैं और वो कहते हैं कि हम दीन के बजाय दीन के जो सप्टीट्यूट uh, हैं जैसे मैंने uh, अर्ज किया जो दीन की जगह पर बैठने के लिए दूसरी चीजें हैं उसकी तरफ चले जाते हैं वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में इल्म के हवाले से देखेंगे कि साइंस हमें आके क्या बता रहा है हम ये देखेंगे कि साइंस हमसे हमसे ये बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये करिए वो करिए हमारी साइंस आकर पूरा कोई दुनिया का मैनेजमेंट हमें बताए हम उसको फॉलो करेंगे हमें दिन की कोई जरूरत नहीं ऐसे लोग एथीस्ट कहलाते हैं कि जो दीन के ऊपर अकीदा नहीं रखते हैं बहुत से लोग हैं दिन के ऊपर अकीदा रखते हैं अल्लाह अकीदा रखते हैं अगर हम अलबत्त इसका डिस्कशन आप सामने पेश करेंगे कि दीन और साइंस के दरमियान का रिलेशन क्या है वो इनशाला नेक्स्ट स्टेप में लेकिन अगर आपसे कोई ये कहता है कि हम तो दीन की तरफ तोज्जो ही देते हैं हमें दीन की कोई ज़रूरत नहीं है हम महसूस करते हैं कि दीन के बिना भी ज़िंदगी बसर की जा सकती है दीन क्या चीज़ है आखिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनकी तवज्ह ही दीन की तरफ नहीं होती है तो अगर आपसे पलट कर ये पूछा जाए कि दीन की तरफ इतनी तोज् क्यों ज़रूरी है अगर कोई आकर आपसे ये पूछे कि हम दीन को पूरी तरीके से डिनाई कर दें या दीन को हम अवॉइड कर दें पूरी तरीके से तो क्या परेशानी हमारे लिए आ जाएगी ठीक है कुछ लोग आए हैं उन्होंने दावा किया है कि हमें दीन की तरफ जो है जाना चाहिए और ऐसा है वैसा है हैं? हम लेकिन हम सोचते हैं कि दीन की तरफ ना भी जाएं तो क्या परेशानी है अगर दीन की तरफ नहीं भी गए अगर कोई नबी आए भी हैं एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर आए भी हैं उन्होंने आकर एक सिस्टम बताया है कि हाँ एक अल्लाह ताला है अल्लाह ताला की ये सिफात हैं एक रोज़ क़यामत आएगा लेकिन हमें कैसे पता कि ये लोग जो हैं बहुत ज्यादा सही लोग थे अभी फर्ज कीजिए हमें हम किस जरिए से उस बात को साबित कर सकते हैं कि जनाब आदम आए थे बहुत ही एक आप कह सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो, पॉंट जीरो, पॉंट जीरो की uh, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं अगर आप फर्ज कीजिए आप मुसलमान ना हो इस टाइम के ऊपर आपसे आकर इस बात को बयान किया जाए कि एक एक एडम है एक ईव थे कि जिन्होंने इंसान की शुरुआत की इसको कैसे यानी हमें साबित करने के लिए हो सकता है कि जीरो पॉइंट समथिंग परसेंट आपके लिए पॉसिबिलिटी हो कि एक आदम एंड ईव हो अब क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं अल्लाह ताला ने जनाब आदम की बात को जिक्र किया है और प्लस क्रिश्चियनिटी है जुडाइजम है दूसरे दिन है इन लोगों ने भी ये कॉन्सेप्ट पेश किया है जनाब आदम और जनाब हवा का इसलिए हम लोग ईजिली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन फर्स्ट कीजिए कोई इंसान एथिस है वो किसी रिलीजन को मानता ही नहीं है वो कह रहा है कि ठीक है हम इन सब लोगों को एक हिस्ट्री के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के स्टेटमेंट के तौर पे देख सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी वन परसेंट से भी कम है कि हो सकता है हो सकता है ना हो लेकिन उसके बाद की बात क्या है हो सकता है यानी पॉसिबिलिटी एक परसेंट है तो हम एक परसेंट पॉसिबिलिटी पे क्यों आकर इन्वेस्टमेंट करें कोई भी अक्लमंद इंसान इस दुनिया में एक परसेंट पॉसिबिलिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो इनशाला आपका होमवर्क है कि अगर हम दीन की तरफ स्पेशली जो अंबिया की तारीख है इसकी तरफ पलट कर देखते हैं तो जो दीन का कॉन्सेप्ट और दीन के हवाले से जो तालीमा पेश की जाती हैं इसके हवाले से ये बात निकल के सामने आती है कि जो पॉसिबिलिटी uh, है अंबिया के आने की वो एक एथीस्ट शख्स के लिए एक परसेंट है यानी बहुत ही लोएस्ट पॉसिबिलिटी है ऐसी सिचुएशन में एक अक्लमंद इंसान आकिल इंसान क्यों कर आकर uh, इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डेंस में और इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे आकर अपनी पूरी जिंदगी को अपनी पूरी जिंदगी को लिमिटेड जीएगा मैंने इससे ज्यादा क्लियर मुझे लगता है कि कोई जो काफिर और मुश्किल और होंगे वो भी आकर इतना अपने अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाते होंगे इतने खुले अल्फाज मैंने आपके सामने क्वेश्चन को सामने रख दिया है कि भाई अगर वो दीन को ना माने इस पॉसिबिलिटी को ना माने तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से आजाद रहेंगे अब इनशाला आप लोग का होमवर्क है और आज के दस को हम इसी पे खत्म करेंगे और आपसे अभी हम आपसे आंसर नहीं मांग रहे हैं इसके ऊपर आप लोग तो सोचें जाकर और एक प्रॉपर उसका आंसर अपने जहन में बना के, सोच के इनशाला नेक्स्ट सेशन में uh, आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप शुरू के पांच मिनट में दस मिनट में अपने आंसर को पेश कीजिएगा एवरी रिलीजन राइट uh, रिलिजन right को सेलेक्ट करने के लिए उसका क्या क्राइटेरियन है और क्या uh, हमें प्रोसीजर्स तय करना चाहिए और डेफिनेटली हर रिलीजन अपने आप को जस्टिफाई करता है इसके ऊपर इंशाल्लाह एक मुफसल डिस्कशन है आप लोग तो के सामने उसको बयान किया जाएगा रिलीजन का क्लेम uh, कर देना अपने आप को जस्टिफाई करना काफ़ी नहीं होता है हम लोग के पास जो क्राइटेरियाज़ हैं वो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल और रीजनिंग के बेसिस पे क्राइटेरिया है इसको हम आकर एनाल uh, करेंगे जो दिन हमारे क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ट आएगा हम लोग उसके उसको मानेंगे बेस्ट मानेंगे और उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर बरअल मैं इस क्वेश्चन को नहीं पेश करता हूँ आप लोग के जेन में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मैं जबरदस्ती आपके जहन में क्वेश्चन ना डालू एनी हाउ यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना हाथ उठा रखा है उसमें से सबसे पहला हाथ उठा है इशरत फातिमा साहिबा का जी आप अपना सवाल पूछना चाहें तो कुछ जी आपने बोला कि जो मेडिसिन है वो बॉडी के साथ साथ सोल पे भी इफेक्ट करती है तो किस तरह से वो रूह को मुतासर करती है और क्या नेगेटिव है मेडिसिन का रूह पर इसको वाजे करें है? जी देखिए जितनी भी चीज़ें हम लोग अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं चाहे वो दवाएं हों चाहे वो खाने हों ये तमाम के तमाम रूह के ऊपर असर करते हैं हमारे जिस्म के ऊपर भी असर करते हैं और क्या असर करते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल आप देखें हदीसों के अंदर इस बात इस बात में इस बात पर काफ़ी हदीसें मौजूद हैं कि अगर इंसान कोई हराम खाना खा देता है डिलिबरेटली जानबूझ कर खा देता है तो चालीस दिन तक के उसकी नमाजें और उसके दुआओं के कबूल ना होने के चांसेस हैं मगर ये कि वो जाके तौबा कर ले इस्तार कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान आप लोग अगर जाकर इस चीज़ को हदीस हदीसों में और उलमा के जरिए से भी इस बात के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है कि अगर कभी आपकी पता नहीं आपने खुद आप लोगों ने इस चीज़ को अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया ही नहीं किया मैंने बहुत किया कि अगर आप किसी टाइम के ऊपर किसी एक गलत चीज़ में मुलविस हो जाए फर्स्ट कीजिए आपने किसी कीबत की कर दी आपने कहीं पर झूठ बोल दिया नेक्स्ट जो आने वाली अपकमिंग इबादत है आपकी कोई भी इबादत हो उसमें जो मशक्क़त आपको हो जाएगी वो नॉर्मल दिनों के बनस्पत ज्यादा हो जाती है बहुत चांसेस होते हैं कि वो इबादत छूट जाए आप फर्ज कीजिए आपने दिन में बैठ कर कोई काम कर लिया आपकी शाम की नमाज जो है आपने दिन में गिबत कर दी ढेर सारे लोगों की आपकी शाम की नमाज जो है लेट हो गई या किसी ने छोड़ दी आपने शाम को एक मसला पेश आया आपने फ़र्ज़ कीजिए नमाज छोड़ दी जानबूझ के आपकी सुबह की नमाज़ छूट जाएगी यानी उल्टा इसके अगर आपने सुबह की नमाज़ जो है बढ़ली टाइम के ऊपर तो आप देखेंगे दिन की नमाज भी आप ऑन टाइम आपके जहन में फौरन याद आ गया ये क्यों ऐसा होता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं खाने का और इंसान के शिकम का इंसान की इबादतों से डायरेक्ट रिलेशन है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है इसीलिए देखें बहुत से मकाम के ऊपर जब सामने वाले की गुमराही साबित हुई है तो जो सवाल उठाए वो उसके लोकमय हलाल के ऊपर उठाए इमाम हुसैन असलम ने भी जब जाकर अपने दुश्मनों के सामने खड़े होकर रोजे आशूर भी खुतबा दिया है तो उसके अंदर एक अहम पहलू जो आपने रखा है वो क्या है कि क्योंकि तुम्हारे शिकम माल हराम से भरे हुए हैं क्योंकि तुम्हारे पेट माल हराम से भरे हुए हैं इसलिए आ, अल्लाह का वली भी खड़े हो के तुम बता रहा है तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वरना बहुत से लोग तो अब यानी बगैर किसी के बताए हुए बहुत सी बातों को समझ जाते हैं अगर उनके पेट में हलाल लुमा मौजूद है और ये हलाल और हराम का लुमा जो है एक तो इसका कॉन्सेप्ट है कि जो थोड़ा सा आ, कह सकते हैं लिमिटेड और महदूद है आ, स्पेसिफिक है कि जो हम लोग इस्लाम के अंदर आ, महसूस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये चीजें हलाल है ये चीजें हराम हैं एक्सेट्रा लेकिन इसका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट भी है हर कोई इंसान जब तक वो मुसलमान नहीं हुआ है उस तक के हक नहीं पहुंचा है उस तक के सही बात नहीं पहुंची है हम किसी भी रिलीजन के बारे में गलत नहीं कहेंगे सब लोग अपनी जगह पर अगर वो दलील के साथ अपनी जगह पर हैं उनका एहतराम करते हैं किसी भी रिलीजन का है उन सब के रिलीजन में कुछ कह सकते हैं क्राइटेरिया होते हैं हलाल और हराम होने के जो शख्स भी अपने उस जितनी हद तक उस तक के म पहुँचा है उस तक अल्ला की अल्लाह की रहनमाई और हिदायत पहुँची है उस सेंस में उस फील्ड में उस स्पेयर में अगर वो हलाल और हराम का ख्याल रखता है तो वो बहुत सी जगहों के ऊपर इसका असर देखता है तो लिहाजा आप इसका असर बासानी देख सकते हैं बहुत सी जगहों पर गुमराहियों के जो गुमराहियाँ हैं इनका मेन रीज़न यही है कि उनके शिकम जो है हराम गजा से हराम रुकमे से भरे होते हैं और यही सेंस दवाओं के अंदर भी आता है दवाएं भी बहरहाल आपके खाने की दवाएं हैं और इनका असर भी जिस तरीके से इंसान के जिसम पे होता है उसी तरीके से रूह पे होता है फर्स्ट कीजिए कोई इंसान दवा के अंदर मैंने मिसाल पेश की कोई इंसान के अन, दवा के अंदर वो कह रहा है कि इसके अंदर अल्कोहल होना चाहिए इसके शराब होना चाहिए और वो कह रहा है कि बेहतरीन दवा है इस वक्त आप कहेंगे ठीक है जब साइंटिस्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छी दवा होगी और यही यही हमारे पास रास्ता बचा है और ये वो है और आप उसको कंज्यूम कर लेंगे लेकिन साफ वाज़ है कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया है यकीनन इस, इसका इंसान के ऊपर इसका और नेगेटिव एस्पेक्ट इसका असर पड़ रहा है इम्पैक्ट पड़ रहा है दैट्स कि अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है नहीं तो ये ये बात आपके सवाल का जवाब यही है कि इंसान की रूह पे इसका डायरेक्ट असर है और ये बात कैसे साबित होती है हदीसों से और सीरत से अहले बैत अहिल की साबित होती है कि इंसान के शिकम का राबता उसकी इबादतों से उसके आमाल से डायरेक्ट है और जो मेडिसिन की बात है वो इंसान के शिकम में जाती है मैं एक बार और इस बात पे इंसिस्ट कर दूं कहीं ऐसा ना हो कि जो है इस दर से लोग निकले और निकल के फौरन बहुत से लोग इस टाइम के ऊपर इस्लामिक मेडिसिन के नाम से इस टाइटल से इस टैग से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनका भी जो उनकी जो आर्ग्यूमेंट है और उनका जो डिडक्शन है वो सेम इसी तरीके से है कि वो भी ये कहते हैं कि इंग्लिश मेडिसिन जो है उसके अंदर ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं साइड इफेक्ट्स हैं ये वो है आपकी रूस से कंपेटेबल नहीं है लिहाजा आप आइए हम बताते हैं आपको क्या करना है हम आपके सामने अर्ज कर चुके हैं हम किसी भी शख्स या किसी भी शख्सियत को यहाँ पर बैठ के ना उसकी तइद कर रहे हैं ना उसको रद्द कर रहे हैं ना उसको हम अप्रूव कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना उसको डिनाई कर रहे हैं आईम तहरी वसलाम ने बहुत से मकाम के ऊपर अहादीस के अंदर जो इस्लामिक मेडिसिन है इसके हवाले से बहुत सारी हिदायत दी हैं लेकिन मेडिसिन के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि जो मरीज आता है उसको नुस्खा दिया जाता है हो सकता है कि जितनी भी बातें हम लोग के पास मौजूद हैं उन सब के अंदर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अहिल बैतुम एज अ डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे लेकिन जो लोग गए उन्होंने कहा कि हमें ये प्रॉब्लम है आप इसको सॉल्व कर दीजिए अहल बैतूल ने उस शख्स को देखते हुए क्योंकि उसके रहने सहने का तरीक़ा वो किस आबोहवा हवा में रहता है किस वेदर में किस एनवायरनमेंट में रहता है उसका अपना मिजाज कैसा है उसके बाद उसकी रूह कैसी है इन सब को देखते हुए इन सब फैक्टर्स को काउंट करते हुए उसके लिए मेडिसिन लिखिए हो सकता है आपका एनवायरनमेंट अलग है उस शख्स से कि जिसके लिए दवा लिखी गई थी हो सकता है आपकी रूह की सिचुएशन अलग है उस शख्स से कि जिसके लिए वो दवा लिखी गई थी हो सकता है आपका बदन अलग है तो आपके बदन में स्ट्रेंथ कम है उसके अः बनस्पत के जिसके लिए ये दवा लिखी गई थी इसलिए ऐसा नहीं है कि जो भी हदीस आपको मिले आप आंख बंद करके उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें या कोई भी आलिम आकर आपसे ये कह दे कि देखिए हदीस में लिखा है कि सर दर्द के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा तो आप कहेंगे ठीक है अलबल बयान केजमे काम करेंगे नहीं हो सकता है कि ये सर दर्द एक खास तरीके का सर दर्द था कि जिसके लिए आपने ये दवा बयान फरमाई तजवीज़ फरमाई लेकिन आपका सर दर्द एक अलग टाइप का सर दर्द है ये एक खाली मैं एक्सप्लेनेशन पेश कर रहा हूँ हाँ बहुत से ऐसी जगह है जहां पर ने एक प्रिकॉशन बताया है कि देखिए अगर आप फर्ज कीजिए खाने से पहले हाथ धोएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है आप हमेशा जो है शैतान से दूर रहेंगे शैतान खाने पीने के मसले में बैक्टीरिया से उसकी तरफ इशारा किया गया है या फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं कि जो एज प्रिकॉशन बयान किए गए आप जो है एक बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पी पीजिए बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म खाना मत खाइए हमेशा नॉर्मल खाना खाना चाहिए या इसी तरीके की बहुत सारी दूसरी बातें कि जो बयान की गई हैं ये एज प्रिकॉशन बयान की गई हैं खाने के आदाब हैं दवा लेने के आदाब हैं तो ये आंसर है आपका और कोई क्वेश्चन रहमतुल्लाह जिनको सवाल है वो चैट बॉक्स पे डाल दें या तो अपना हैंड रेस कर लें। पोर्क क्यों हराम है ये सवाल है जी देखिये मैंने इसके लिए इशारा किया कि हम लोग ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से हो सकते हैं कि ये क्यों हलाल है ये क्यों हराम है ये क्यों जायज़ है ये क्यों जायज़ नहीं है क्यों सुबह की नमाज दो रखा है क्यों जोर के रखा चार रखा था तो इसका एक जनरल आंसर ये है कि इसका साइंटिफिकली आप लोग पोर्क के ऊपर जाके स्टडी कर सकते हैं कि पोर्क साइंटिफिकली भी कोई अच्छी चीज नहीं है और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि जो इंसान के लिए काफी हानिकारक है अगर साइंटिफिकली से हट के हम लोग रिलीजियसली देखना चाहें तो रिलीजन के अंदर दीन के अंदर हमारे पोर्क के हराम होने के बयान नहीं की, की गई है इस तरीके से कि क्योंकि इसके अंदर फुला जो है चीज़ पाई जाती है इसलिए वो हराम है नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने अब यहीं पर मैं इस बात को बयान करूँ अब जब हम हाँ आकर पहले साबित कर लेते हैं कि अल्लाह त वजूद हमारे लिए साबित हो जाता है और उसकी क्वालिटीज हमारी साबित हो जाती हैं कि अल्लाह तमाम तर चीज़ों का इल्म रखता है और हमारे लिए ये भी साबित हो जाता है कि अल्लाह ताली हमारी बनस्पत हमसे ज्यादा इल्म रखता है क्योंकि उसने हमें बनाया है हमारी रूह को बनाया है तो इन सब बे, इन सब चीजों को जब हम मुकम्मल तौर पे जान लेते हैं तो ये बिल्कुल उस डॉक्टर के जैसा है मसला कि जहां पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लिख के देता है कि ये दवा ये दवा ये दवा खाइएगा और ये ये खाने मत खाइएगा और मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि मैं नाइन्टी नाइन परसेंट कोई पलट कर ये नहीं पूछता है कि आपने क्यों ये दवा लिखी है इसका एक्सप्लेनेशन बताइए क्यों ऐसा है क्यों ऐसा है नहीं क्योंकि आपको भरोसा होता है कि ये डॉक्टर जो है ये एम है ये एम है ये फुला है इसने क्योंकि बहुत ज़्यादा इल्म मेडिकल साइंसिस के अंदर कमाया है और हमें इसकी मेडिकल uh, नॉलेज के ऊपर पूरा भरोसा है लिहाजा ये जो लिख रहा है उसको हम मान लेते हैं इसी तरीके से अल्लाह ताला के लिए जब हमें साबित हो गया कि उसको ज़्यादा इल्म है हमारी बनस्पत तो वहां पर हम आकर ये कहते हैं अब जो अल्लाह ताला जो भी हमारे लिए मुन कर रहा है हम उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये हमारा जनरल आंसर हो गया स्पेसिफिक आंसर ये कि बहुत सारी हिकमतें यानी आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि आ, पार्ट ऑफ द रीजन पार्ट ऑफ द कॉज हराम होने के लिए हम लोग को मिल जाए कि पौर्क के अंदर इतने बैक्टीरियाज होते हैं वो लोग कीचड़ खाते हैं वो लोग इंसान वेस्ट खाते हैं ऐसी चीजें इस्लाम के अंदर देखें कि जो भी जानवर जाकर इस चीज की तरफ खाना शुरू कर गोश्त खाना सही नहीं होता है उसके लिए बताया जाता है कि इसका पहले तजकिया करना जरूरी है क्योंकि इसने ह्यूमन वेस्ट खाना शुरू कर दिया था और तजकिया होने के बाद इसको आप खा सकते हैं तो देखें जो चीज जाकर कीचड़ के अंदर जिंदगी कर रही है कि उसी को खा रही है और दूसरे जानवरों और इंसानों के वेस्ट को खा रही है तो वो चीज क्या आपके लिए नतीजे में लेकर आएगी ये तो बिल्कुल सामने 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 की चीज़ है कि उसके साथ ढेरों बैक्टीरियाज आपके सामने आ सकते हैं क्यों लोग इतना पसंद करते हैं क्योंकि पोर्क के अंदर गोश्त की मकदार बगैर हड्डी वाला गोश्त की मकदार बहुत ज़्यादा होती है लिहाजा वो लोग इतना उसको पसंद करते हैं लेकिन इस्लाम ने उसको मुकम्मल तौर पर हराम जाना और अगर किसी को सवाल नहीं है तो हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं जी ठीक थी। है आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लगता है कि अब क्योंकि टाइम भी मुकम्मल हो चुका है और सवाल भी अब शायद नहीं है अगले हफ्ते मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग उस सवाल का जवाब लेकर इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे क्लास में बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया जी आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये भी दर्ज दिया और इन आपसे अगले दस में फिर मुलाकात होती है इन बहुत बहुत शुक्रिया अब मैं मीटिंग लीव कर देता हूँ जी आगा जी आप सबसे गुजारिश है कि अपने जो आप नाम डालते हैं जूम मीटिंग में प्लीज वो जो आपके नाम है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने नाम लिखे वही लिखिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है मैं अटेंडेंस देने में तो जो आपने रजिस्ट्रेशन रे, रे, फॉर्म में नाम लिखे हैं और अगर किसी ने नहीं भरे नहीं भरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो मैं वापस उसकी लिंक सेंड करता हूं आप भर सकते हैं लेकिन वही नाम डाली क्योंकि हमें फिर प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपकी क्योंकि इसमें किसी का मोबाइल नेम आता है किसी का कुछ और नाम आता है क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास डेटा है जो नहीं है एक्चुअल में वो रजिस्टर्ड नहीं है तो मोस्टली कोई भी नाम रहता है रैंडम नेम्स रहते हैं बट रिक्वेस्ट है कि वही नाम डालें क्योंकि हमें अगर आ, अगर हमें ये देना है पॉइंट्स देने हैं अटेंडेंस के तो हमें एक्चुअल में आपका नाम तो चाहिए रहेगा हम किसको देंगे पॉइंट्स तो रिक्वेस्ट है कि जो भी आप नाम डालें जूम मीटिंग में वो वही डालें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला है फिर इंशाल्लाह अगले संडे आप सबसे मुलाकात होती है तब तक, तक के लिए इल्तमास इतमास हुआ